आज की वीडियो में आप लोगों को फिल्म प्रोडक्शन प्रोसेस की प्रोडक्शन स्टेज को पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप एक फिल्म मेकर है, नए फिल्म मेकर है, तो आप सोचते होंगे ना कि फिल्म प्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या हुआ कि कैमरा उठाया और शूटिंग किया, बस हो गया काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है जो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि फिल्म प्रोडक्शन जो होती है ना, फिल्म जब बनती है ना, तो उसके तीन स्टेजेस मेनली होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन पर तो ऑलरेडी वीडियो आ गई है, लेकिन अभी उस वीडियो को देखने मत भाग जाइएगा, अभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के प्री प्रोडक्शन क्या होता है, क्या उसके स्टेजेस है, वो पूरी देख लीजिएगा। अभी प्रोडक्शन स्टेज के बारे में जानिए कि प्रोडक्शन स्टेज में कैसे फिल्म बनती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखेंगे। और हाँ, एक बात और, जो प्रोडक्शन होती है ना, तीन स्टेजेस में, प्री प्रोडक्शन की वीडियो आ चुकी है, प्रोडक्शन की ये वीडियो है, और जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसकी जो वीडियो है ना वो आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ज्यादा मैं आप लोगों को चाटूंगा नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को अब प्रोडक्शन स्टेज क्या होता है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है ना, मेनली जो फिल्म की शूटिंग का काम होता है ना वो होता है, लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले भी और भी कुछ कुछ चीजें होती है जो कि प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत ही आती है। देखिए, प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो है अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। आपको इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट करना है, ऐसे ही बिना इक्विपमेंट्स के आप फिल्म तो बना नहीं सकते। अब देखिए, इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दो। पहला रास्ता ये है कि चाहे तो आपको इक्विपमेंट्स को हायर करना पड़ेगा, रेंट पर लेना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आपको अपना ही इक्विपमेंट बाय करना पड़ेगा। अब ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप रेंट करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं। फायदा अगर आप पूछेंगे ना मेरे से, तो फायदा जो है ना वो बाय करने में है। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स है ना, वो आप टाइम टू टाइम बाय करते जाइए। बाय करेंगे ना तो क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और जब भी आप नई मूवी बनाएंगे ना, तो क्या होगा, चाहे आप शॉर्ट फिल्म बना रहे या फिर फीचर फिल्म बना रहे, जब भी आप नई फिल्म बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपको इक्विपमेंट्स रेंट नहीं करने पड़ेंगे, तो वो कॉस्ट आपका बच जाएगा। क्योंकि फिल्म आपको एक ही दिन के लिए नहीं ना बनाना है, फिल्म मेकर बनना है, बहुत सारी फिल्में बनानी है, शॉर्ट फिल्म हो या फिर फीचर फिल्म हो, तो इसके लिए बाय करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप एक नए फिल्म मेकर है ना, तो फिर आप उतने पैसे कहाँ से लाएंगे, आप फिल्में बनाएंगे, कमाएंगे, तब तो फिर आप इक्विपमेंट्स बाय करेंगे ढेर सारी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप रेंट पर ले सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत प्रोवाइड करके आप इक्विपमेंट्स को लेते रहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप रेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे भी मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, दूसरी चीज जो आती है ना प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत, वो है सेट डिजाइन। यानी सेट डिजाइन क्या होता है, जैसे जहां जहां शूटिंग होगी वहां पर अगर आप कुछ सेट्स बनवा रहे हैं, तो उसका डिजाइनिंग करवाना आर्ट डायरेक्टर से कि सेट में क्या क्या चीजें वहां पर दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि आपने कोई महल का सेट बनाया है, तो वहां पर आप बताएंगे ना कि हाँ ये सब चीजें है, यहाँ पर महल में अंदर में क्या क्या चीजें रहेंगी, किस तरह का झूमर रहेगा, तो ये सब आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आर्ट डायरेक्टर रहते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर के हेल्प से आपको क्या करना होगा, सेट डिजाइन करवाना पड़ेगा अगर सेट की जरूरत है तो। अगर नहीं है तो लोकेशन जो है वो फाइनलाइज हो जाता है कि लोकेशन जो है वो किस लोकेशन पर शूटिंग होगी। अगर उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, मान लीजिए कि कोई ऐसा लोकेशन है जहां पर आप शूट करना चाहते हैं लेकिन वो पेंट पोचाड़ा नहीं होया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर नीपा पोती करेंगे ना। तो इसीलिए ये सभी चीजें जो है ना, ये आपकी जो लोकेशन का काम हो गया या फिर आपकी जो सेट डिजाइन का काम हो गया, ये भी प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत आ जाता है। तीसरी चीज है कॉस्ट्यूम्स। देखिए, आर्टिस्ट के हिसाब से आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, आपने आर्टिस्ट को साइन करने से पहले अगर कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लिया है, तो सभी आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब कोई आर्टिस्ट रहेगा मोटा और आपने डिजाइन कर लिया है कॉस्ट्यूम पतला, तो फिर कहां से काम चलेगा। तो जिस आर्टिस्ट को आपने रखा है, जो उस कैरेक्टर के लिए फिट बैठ रहे जो आर्टिस्ट, उसके हिसाब से आपको उनकी बॉडी का साइज लेकर के आपको कॉस्ट्यूम को डिजाइन करवाना पड़ता है। और ऑर्नामेंट्स जो है ये कॉस्ट्यूम में ही आ जाते हैं, कुछ कान की बालियां हो गई या फिर नाक वाला हो गया, ये जो गले का हार हो जाता है, ये सभी चीजें जो है ना ये कॉस्ट्यूम्स में ही आ जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई सैनिक है, आपने उसका मोटा ड्रेस सिलवा दिया और आपने कोई पतला सैनिक रख लिया, इतने में क्या होगा, उसमें दो दो सैनिक घुस जाएंगे उस ड्रेस में। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको कॉस्ट्यूम का डिजाइन जो है ना वो आर्टिस्ट को फाइनलाइज करने के बाद ही करना चाहिए। तो ये भी प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत आता है।
फोर्थ नंबर पर है अरेंजमेंट ऑफ द प्रॉप्स। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स का मतलब होता है ना जो भी चीजें आप शूटिंग के दौरान यूज करेंगे, जो सीन में दिखाई देगी वो हो गया प्रॉप। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक अभी आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, इस तरह का सीन है कि मैं आप लोगों को यूट्यूब में लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रिंग लाइट यहाँ पर जो दिखा रहे ना, ये जो रिंग लाइट है तो ये प्रॉप हो गया आपके लिए। मैं इसे शूटिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसमें लाइट तो नहीं लगी हुई है जो यहाँ जल रही मेरे चेहरे पर, तो वो क्या हो गया, ये मैं यहाँ जस्ट शो के लिए दिखाने के लिए रखा हूँ, तो ये प्रॉप हो गई। अगर कोई कुर्सी है स्पेशल तरह की, या मान लीजिए कि कोई स्टिक है, या आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई बैकग्राउंड में कोई चीज आप दिखा रहे हैं, तो वो सभी चीजें प्रॉप्स के रूप में आ जाती है। तो प्रॉप्स की अरेंजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, सीन वाइज आपको प्रॉप्स का अरेंजमेंट करना है कि ये सीन में ये प्रॉप्स होंगी, तो ये भी प्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत आता है। अब जो फिफ्थ नंबर पर आती है ना, वो है सबसे मेन चीज, और उसमें क्या होता है, उसमें फिल्म को शूट किया जाता है। आपने कैमरा वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह सभी चीजें फाइनलाइज कर ली, अब क्या करना है, अब आपको कैमरा उठाना है, इक्विपमेंट्स उठाना है और शूट करना है, अकेले नहीं अपने टीम के साथ शूट करना है। तो आप शूटिंग में लग जाते हैं, आप अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं, लोकेशंस पर जा करके आप शूटिंग करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ना कि जैसे आपने एक लोकेशन को चुना, तो उस लोकेशन में शूट होने वाली जितने भी सीन्स है ना, वो आप उसी दिन शूट कर लेंगे या फिर उसी दौरान शूट कर लेंगे, एक दो तीन चार दिन जितने दिन का भी शेड्यूल है आप शूट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप दूसरे लोकेशन तक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में घर का लोकेशन है, फिर कोई जंगल का लोकेशन आया, फिर आया घर का लोकेशन, फिर जंगल का लोकेशन, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार यहाँ घर में शूट कर लेंगे, फिर चले जाएंगे जंगल में शूट करने के लिए, फिर आपका तीसरा सीन जो है वो आ जा रहा है घर का, फिर आप घर में आ जाएंगे, फिर चौथा सीन जो है वो आ जा रहा है जंगल का, तो फिर आप जंगल में चले जाएंगे। इधर उधर आपको नाचना नहीं है, आपको क्या करना है ना, आपको जितने भी सीन्स जंगल में शूट होने ना, वो आपको एक ही बार में एक ही टाइम पीरियड में कर लेना है, और जितने भी सीन्स घर में होने हैं उस पर्टिकुलर रूम में होने हैं वो आपको एक ही बार में कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज होती है ना कि अगर आप बड़ी फिल्म बना रहे ना बड़े एक्टर्स को लेकर के, तो ये सब चीजें आपको एक्टर्स के हिसाब से लेकर के चलना होगा। पता चला कि कोई बड़ा एक्टर है वो आज नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, आप उसके हिसाब से लोकेशन को शेड्यूल करेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो आप उस लेवल की फिल्म नहीं बना रहे कि आमिर शाहरुख और सलमान जो है आपकी फिल्म में है, या फिर कोई बहुत बड़ा हीरो आपकी फिल्म में है जो नाटक दिखाएगा। नाटक करने के लिए कोई नहीं, कोई नॉर्मल एक्टर रहेगा, आप आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते कि ये टाइम पे आपको आना है, और बाकी लोकेशन की जो बात रह गई वो अपने आप हिसाब से डिसाइड कीजिए। तो आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के सभी सीन्स को एक बार में शूट कर लेना है, और उसी तरह से दिन और रात की भी बात है, अगर नाइट का कोई सीन है तो आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन में, तो नाइट के जितने भी सीन्स आप एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये सब खैर अलग बात है, ये फिल्म को शूट करने का तरीका हो गया। लेकिन हाँ, मेनली जो इस पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिल्म को शूट करने का काम होता है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोसेस होता है ना, जो सिक्स्थ नंबर पर आता है, वो है एडिटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे एडिटिंग तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है ना, तो ये कहां से यहां पर एडिटिंग हो गई। देखिए ये होती है रफ एडिटिंग। आजकल क्या हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में जैसे फिल्म जब है वो बनती रहती है ना, तो जिस दिन शूट होती है ना, तो उस दिन का जो पूरा फुटेज है ना वो रफली एडिट हो जाता है। सेट पर ही एडिटर जो है वो बैठे हुए रहते हैं, एक दो एडिटर्स रहेंगे, वो रफली आपको काट छाट करके दिखा देंगे कि हाँ ये लगभग लगभग शूट हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होती है तो पता चल जाती है, और मिस्टेक होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे उसे रीशूट कर लिया जाता है। तो आजकल जो एडिटिंग हो रही है ना, वो पोस्ट प्रोडक्शन वाली एडिटिंग अलग बात है, उसमें पूरे अच्छे से बारीकी से एडिट किया जाता है। लेकिन लगभग लगभग क्या होता है ना कि जब भी आप शूट करते रहे, तो दिन भर में जो भी आपने शूट किया वो आपको फिर शाम को वहाँ जो एडिटर बैठे हुए रहेंगे ना शूटिंग सेट पर, वो आपको दिखा देंगे। आजकल इस तरह का काम होता है। तो ये एडिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन वाली एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये जो सिक्स पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये पूरे आ जाते हैं ये प्रोडक्शन स्टेज में। आप लोग सोच रहे थे ना कि प्रोडक्शन स्टेज तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना सिंपल होता है। तो इतने पॉइंट्स में ये प्रोडक्शन स्टेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब बारी आती है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज की, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो आगे बोलने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आने वाले वीडियोस को देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने डाउट्स को जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।